शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अटल बिहारी वाजपेयी यानी एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से इस तरह प्रभावित किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। एक साधारण परिवार में जन्मे इस राजनेता ने अपनी भाषण कला, भुवन मोहिनी मुस्कान, लेखन और विचारधारा के प्रति सातत्य का जो परिचय दिया वो आज की राजनीति में दुर्लभ है। सही मायने में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के सबसे करिश्माई नेता और प्रधानमंत्री साबित हुए, क्योंकि सियासत में संतुलन साधने का हुनर उन्हें अलग खड़ा करता है। देश की राजनीति को नया आयाम देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी पंचतत्व में विलीन हो गए। बीजेपी दफ्तर से स्मृति स्थल तक अटल जी की अंतिम यात्रा में जनसैलाब सड़कों पर दिखाई दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शोकाकुल भीड़ के साथ अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पैदल स्मृति स्थल तक चले। अटल जी अमर रहे के नारों के साथ देश की राजनीति को अटल ज्योति देने वाले अटल की अंतिम यात्रा निकली। राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर देश के राष्ट्रीय और दूसरे कई देशों के प्रतिनिधियों ने अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। कहते हैं सदियों में एक मसीहा पैदा होता है जिसे दुनिया एक नजर से देखती है। मसीहा नहीं तो मसीहा से वो कम भी नहीं थे। आधुनिक भारत के निर्माण की बात हो या फिर शक्तिशाली राष्ट्र की बात, अटल जी का नाम सबसे ऊपर आता है। जिसके नाम के आगे सटीक बैठता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है जननायक। अटल जी चले तो क्या खूब चले, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जीते जी कौन नहीं उनके साथ चले, जब अमर हुए तो कौन नहीं जो उनके साथ ना चले। चलना ही नहीं चलाना भी वो खूब जानते थे। बीजेपी मुख्यालय से उनकी शव यात्रा निकली, अब से पहले ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली। अटल जी जैसे लोग जीते हैं मरते नहीं, तभी तो वो ताल ठोक कर कहते थे, मौत की उम्र क्या 3-2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। सार्क देशों के प्रतिनिधियों का शव यात्रा में शामिल होना अब से पहले शायद संभव ही नहीं हुआ। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल समेत कौन सा देश था जो इस महान सपूत को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा। बस
अब समय उनके यादों में कटेगा। प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा ऐसा नहीं हुआ, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर जब चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की म्लानता होगी ऐसा आप समझ। मेरे लिए उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। अटल जी देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए ताउम्र जीते रहे। पाकिस्तान से रिश्ते की बात हो या फिर देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का पराक्रम, अटल जी के फैसले आज भी याद किए जाते हैं। जिन्होंने सत्ता के लिए कभी समझौता नहीं किया वो थे अटल, जो अटल थे वो थे अटल। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सनातन धर्म कहता है शरीर मरता है आत्मा नहीं, अमृतों की अटल परिभाषा गढ़ी उन्होंने। सार्वजनिक जीवन हो, सियासत हो, सेवा हो या फिर चीर शांति की गति, अटल सदैव गतिमान रहे। वो खामोश हैं लेकिन उनके गीत बोल रहे हैं। लगी कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशे का शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। पंच तत्व में विलीन अटल बिहारी वाजपेयी जो देश को दे गए वो अमूल्य है। अटल जी ने जो सीख दी राष्ट्र उनका ऋणी है। अटल ऐसे अटल थे, अटल जी से देश ने हमेशा कुछ पाया ही है। उनकी दत्तक पुत्री नमिता ने उन्हें मुखाग्नि दी, यानी अंत समय तक वो ये सीख भी दे गए कि बेटियां बेटों से कम नहीं। ये अटल सीख है, देश की बेटियों के नाम सच्चे अर्थों में वे जननायक थे, जन जन के अटल थे, मन से अटल थे, सबके अटल थे, अपने अटल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। टूटे हुए सपने की सुने कौन किसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। सिर्फ एक झलक पाने के लिए जनसैलाब सड़क पर नजर आया, जिसके सजदे में क्या आम और क्या खास सब झुके हुए थे। अटल ऐसे ही अटल नहीं बने, खासतौर पर 90 के दशक को याद कीजिए। हम में से ज्यादातर लोग उसी दौर से हैं जब हिंदुस्तान सिमट रहा था, बिखर रहा था, लेकिन सरजमी पर जब अटल के निशान पड़े तो मजबूत भारत का निर्माण हुआ, नए भारत की परिकल्पना सार्थक हुई। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं गीत नया गाता, गीत नया गाता। उनकी पुत्री द्वारा यहां पर उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जा रही है। रो रहा हिंदुस्तान, अटल महान। अटल सिर्फ नाम नहीं है,
बल्कि अपने आप में एक पूरे युग को समेटे हुए वो शख्सियत हैं, जिनके अपने ही नहीं विरोधी भी मुरीद थे। राजनीतिक जीवन का लंबा सफर, लेकिन 90 का दशक अटल के राजनीतिक जीवन का सुनहरा पल रहा। अगर उनके जीवन के इस दौर की बातें हो रही हैं, तो उसके पीछे वजह भी है। 90 के दशक में इस अटल नाम ने टूटते बिखरते हर हिंदुस्तानी को इस तरह से जोड़ा कि वो 21वीं सदी के इस मजबूत भारत की तस्वीर के जरिए हम बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि 90 के दौर ने ही आज के दमदार भारत की नींव रखी। याद कीजिए 90 का वो दौर, भारतीय सियासत में टूटते बिखरते समीकरण, हर तरफ हताशा और निराशा का माहौल, कांग्रेस और दूसरी कांग्रेस का क्या विकल्प, हर भारतीयों के मन में दुविधा, जाएं तो जाएं कहां, हर हिंदुस्तानियों के मन में सवाल, बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए कौन चेहरा होगा। तब इस दौर में अटल के नाम का सिक्का चमका, मनमोहक मुस्कान, चुटीले अंदाज, सबके अटल ने राजनीति की पूरी परिभाषा ही बदल डाली। सौम्यता कभी कमजोरी नहीं बनी, कभी हृदय मन कभी लक्ष्य को डिगा नहीं पाया, क्योंकि सही नीयत और दृढ़ इरादे से उन्होंने हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। क्योंकि सत्ता और सियासत के गठजोड़ के बीच भी उनकी नीयत अटल रही। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और जब शीर्ष पर आए, हिंदुस्तान का डंका भी पूरे विश्व में जोरों से बजा। एक पीढ़ी अटल की शख्सियत के इर्द गिर्द नजर आई। हम में से कई लोग आज उस 90 के दौर की मजबूत नींव की बुलंद इमारत पर खड़े हैं, कई पीढ़ियां उसी अटल भरोसे से तरक्की की राह पर हैं। अटल नाम कभी मिट नहीं सकता, वो अजर अमर है अटल। मौत की उम्र क्या 3-2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कृतज्ञ झारखंड ने भी याद किया। उनके सम्मान में बाजार स्कूल बंद रहे, सार्वजनिक स्थान भी सूने पड़े रहे, आम और खास हर कोई एक नाम के लिए रोता नजर आया। वो एक नाम जिसके लिए झारखंड रो रहा है, वो है अटल। अमृतत्व जीवन जीकर वो गए हैं। प्रभाव हमेशा महसूस किया जाए। नाम अटल, यश असीम, जिसे देखिए गमगीन। मानवता की वो कौन सी मशीन थी उनके पास, जिसने एक अटल को बना दिया सबका अटल। झारखंड के जल जंगल और जमीन को सम्मान देने वाले थे अटल। आदिवासियों के हक और हुकूक को समझने वाले थे अटल। यही वजह रही है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड बना। कृतज्ञ झारखंड आज उनके सम्मान में अपने अटल के साथ खामोश है, निशब्द है। वो अपना नेता जो अनंत सफर पर निकल गया। 15 अगस्त को झारखंड मंत्रालय पर शान से लहराता तिरंगा अटल की याद में जैसे अनंत आकाश में खामोश है, शांत है।
अटल के लिए सब अपने थे, पराए तो उनके लिए कोई था ही नहीं और ना वो किसी के लिए। एजीएसयू कार्यालय में भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। हमको लगता है इस युग में और इस तरह का नेता का अभाव हमेशा महसूस किया जाता है।